हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर की हिंदी ग्रामर का पाठ 19, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन पॉइंट्स को यूज करके आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। और हिंदी में हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है, किसी भी विषय पर अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से कुछ पंक्तियों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी भी विषय मतलब किसी भी टॉपिक पर आप अपने थॉट्स को सेंटेंसेस में आप लिख रहे हो, फ्रेजेस यूज करके लिख रहे हो, एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ लिख रहे हो, दैट इज नोन एज पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन के अभ्यास से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो फ्रेजेस, क्योंकि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे अपनी बात को कहने के लिए, बड़ा चढ़ाकर आपको अपनी बातों को कहना होता है, क्योंकि जब हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहनी होती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हम अनुच्छेद लेखन लिख रहे हो या फिर हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। विषय पर गहराई से सोचिए, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी बहुत जरूरी है, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ध्यान में आए बिंदुओं को क्रम में लिखिए, जो आपके दिमाग में चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप एक पॉइंट वाइज आपको लिखना है अलग से। अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको फ्रेजेस का यूज करना है। फ्रेजेस का यूज करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने शब्दों का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वाक्य छोटे, प्रभावशाली और स्पष्ट होने चाहिए। वाक्य छोटे मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले होने चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला पढ़ते एकदम प्रभावित हो जाए। भाषा सरल हो, लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और कोई भी बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए, पहला जो अनुच्छेद लेखन है वो है पुस्तक मेले का। पुस्तक मेला, हमारे शहर में एक पुस्तक मेला लगा था, वह कल रविवार था। मैं अपने पिताजी और छोटी बहन के साथ उसे देखने गया था। मेले में मेरे जैसे बहुत से बच्चे आए थे, उनमें पुरुष और महिलाएं भी थीं। मेले में पुस्तकों के कई खंड थे, खंड मीन्स पार्टीशन। एक खंड में इतिहास और भूगोल की पुस्तकें थी, मतलब एक में आपको साइंस की और हिंदी वो मैथ्स की बुक्स मिलेंगी, दूसरे में सॉरी मैं इतिहास मींस एसएसटी एंड आई थिंक भूगोल, मुझे आइडिया नहीं है इंग्लिश में क्या कहते हैं भूगोल को, लेकिन विज्ञान को साइंस कहते हैं, गणित को मैथ्स कहते हैं। दूसरे खंड में विज्ञान और गणित की पुस्तकें थी। तीसरे खंड में कहानी, उपन्यास और कविताओं की पुस्तकें थी तथा चौथे खंड में धार्मिक पुस्तकें थी। पिताजी हमें हर खंड में लेकर गए, हर एक पार्टीशन में लेकर गए उनके फादर, उन्हें सभी खंडों की जानकारी थी। मुझे विज्ञान और गणित का खंड बहुत पसंद आया, मैंने विज्ञान और उसके जादू नाम की पुस्तक खरीदी। मेरी बहन ने प्रेमचंद की कहानी की दो पुस्तकें खरीदी। हम लगभग 2 घंटे तक पुस्तक मेला देखते रहे, कई पुस्तकें सचमुच बड़ी अच्छी थीं। मैं चाहता हूं कि ऐसे पुस्तक मेले हर वर्ष लगें, लोगों को पुस्तकों से परिचित करवाना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो है किसान के ऊपर। हमारे देश का किसान हमारे लिए वरदान है, वह हमारे लिए अनाज तथा शाक सब्जी पैदा करता है। किसान गांव में रहता है, हमारे देश के अधिकतर किसान गरीब हैं, उनके घर छोटे छोटे और कच्चे होते हैं, वे गाय बैल भैंस आदि जानवर पालते हैं। किसान अपने बच्चों को गाँव की पाठशाला में पढ़ाता है। किसान बड़े सवेरे उठकर जानवरों को ध्यान करता है, उन्हें चारा खिलाता है। सूर्योदय से पहले ही वह हल बैल लेकर खेत में पहुंच जाता है। कई किसान आधुनिक उपकरण भी रखते हैं। किसान बड़ी खुशी से सभी त्योहार मनाता है, वह भगवान की पूजा व कीर्तन भी पूरी श्रद्धा से करता है। ढोलक व मंजीरा बजाकर वह इसका आनंद लेता है। किसान धरती का सच्चा सपूत और हमारा अन्नदाता भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है आपका, जो अनुच्छेद लेखन है वो है उस दिन जब मेरी स्कूल बस छूटी। एक दिन अध्यापिका ने मुझे ढेर सारा गृह कार्य दे दिया। घर पहुंचकर मैंने अपना बस्ता रखा और यह निश्चय किया कि पहले खेलने के लिए जाऊंगा, फिर लौटकर गृह कार्य करूंगा। गृह कार्य मींस होमवर्क। मैं शाम को खेलने बाहर निकल गया, वहां से लौटकर देर रात तक मस्ती करता रहा, गृह कार्य करने का ध्यान ही नहीं रहा। रात ना जाने कब नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तब अचानक गृह कार्य करने का ध्यान आया, मैं झटपट गृह कार्य पूरा करने लगा। गृह कार्य पूरा होने पर जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर जब बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस निकल चुकी थी। मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि अब अपना हर काम समय पर ही किया करूंगा। नेक्स्ट स्टोरी है मेरी प्रिय शिक्षिका। मेरे विद्यालय में कई शिक्षिकाएं हैं, पिछले 5 वर्षों से उनमें से कई शिक्षिकाओं ने मुझे पढ़ाया है। वे सभी मुझे अच्छी लगती हैं।
लेकिन मुझे श्रीमती सुधा शर्मा सबसे प्रिय लगती हैं। अब आप सुधा शर्मा की जगह अपने कोई भी फेवरेट टीचर का नाम ले सकते हैं। वे हमारी कक्षा अध्यापिका हैं। श्रीमती शर्मा एक विदुषी और हसमुख महिला हैं। देखने में वह बहुत सुंदर हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। उनकी आवाज बहुत साफ और मीठी है। वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। उनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। पढ़ाते वक्त बीच बीच में वे हमें छोटी छोटी कहानियां भी सुनाती हैं। इस प्रकार पढ़ने में हमें सभी की रुचि बढ़ जाती है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट बढ़ता है। पाठ आसानी से याद हो जाता है। वे सभी विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखती हैं, बहुत प्यार रखती हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी उनका आदर करते हैं। मैं बड़ी होकर उनकी जैसी अध्यापिका बनना चाहती हूँ। अब आपको यहाँ पर वृक्षारोपण के ऊपर कुछ बिंदु दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उनको यूज करके क्या करना है, आपको एक स्टोरी लिखनी है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, वे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु देते हैं। वृक्षों का हमारे जीवन पर बहुत महत्व होता है। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें वृक्ष लगाने आवश्यक हैं। वृक्ष हमारी जरूरत है। सभी जीव जंतु की स्वस्थ और जिंदा रहने के लिए वृक्ष की जरूरत है। इसलिए वृक्षारोपण और वृक्षों का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। नेक्स्ट स्टोरी है, नेक्स्ट जो लेखन है, आपको क्या कहानी जो लेखन है वो करना है, मेरे प्रिय खेल पर। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। मैं अपने स्कूल की टीम की कप्तान हूँ। मेरे मित्रों की एक क्रिकेट टीम है। इस खेल में दो अंपायर और दो टीम होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल का आरंभ टॉस उछालकर होता है। मैं क्रिकेट टीवी पर देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ। मैं भी बड़े होकर सचिन की तरह खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरा एक अनोखा सपना, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उससे रिलेटेड आपको स्टोरी लिखनी है। मैंने रात नींद में एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं बगीचे में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। तभी वहां आसमान से परियां उतरी। वह परियां बहुत सुंदर थी। वह मुझे परीलोक ले गई। वहां का वातावरण बहुत शुद्ध था। वहां मुझे खाने के स्वादिष्ट पकवान मिले। मुझे वहां बहुत मजा आया। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं आप लिखवा सकते हो। ये जो अनुच्छेद लेखन है ये आप करवा सकते हो। इस तरीके से क्या होगा, बच्चे को एक पकड़ बनेगी, क्योंकि आपका बच्चा भी फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, फिर सिक्स क्लास में, आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करानी है और अपने ही सेंटेंसेज में बच्चे को लिखवाना है। तो इस बात का ध्यान रहे, कुछ बिंदु दीजिए, कुछ पॉइंट्स दीजिए, ताकि उनको यूज़ करके वो इस स्टोरी को बनाना स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्टिंग ना कभी भी डायरेक्टली नहीं होती कि आप कह दो कि आप अपने मर्जी से कुछ भी लिखो। आपको कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे ताकि उन पॉइंट्स को यूज़ करके बच्चा अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस को लिख सके। और उसको कोशिश करिए कि मुहावरों का यूज़ करे, फ्रेजेस का यूज़ करे। तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन कर पाएगा और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, इंप्रेसिव बना पाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।